हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष सोनी थ्री टाइमर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में पढ़ेंगे। ये इस सीरीज का लेक्चर फर्स्ट है जिसके अंदर हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन लेक्चर्स के जरिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक चीज के बारे में आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन पिनल कोड 1860। जैसा कि हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा भी होगा कि इंडियन पिनल कोड एक्ट 1860 के अंदर आया था, और ये 1860 में पास होने वाला 45th नंबर का एक्ट था। मींस 1860 सन के अंदर 45th नंबर पे जो एक्ट पास हुआ था वो कौन सा था? इंडियन पिनल कोड। अब हम इसके आगे डिस्कस करें तो ये एनेक्ट कब हुआ था। तो ये एनेक्ट हुआ था 6th of October 1860 को, 6th of October 1860 को। अब 6th of October 1860 को मिस्टर लॉर्ड मैकाले ने इसको ड्राफ्ट किया था। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हु ड्राफ्टेड इंडियन पिनल कोड, तो हमारा आंसर होगा जी, लॉर्ड मैकाले। और ये कब हुआ था? 6th of October 1860। ये एनेक्टमेंट डेट है, एनफोर्समेंट डेट नहीं है। इसका एनफोर्समेंट कब हुआ था? 1st of January 1862 को। मींस इसका ड्राफ्ट बनके कब तैयार हुआ? 6th of October 1860 को। और ये लागू कब हुआ? वो 1st of January 1862 को। यहां तक बात समझ में आती है? हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर आएगा सेक्शन 1, जो कि हमें सीधा सीधा कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर लागू होगा, इसका टाइटल क्या कहा जाएगा। और इंडिया के अंदर बेसिकली जो मोस्टली एक्ट्स होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके हर जगह लागू होंगे, तो वही ट्रीटमेंट इसके साथ भी करेंगे। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हम मोस्टली हर एक्ट में पढ़ते हैं कि भैया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़कर के पूरे इंडिया में लागू होगा और ये इंडियन पिनल कोड कहा जाएगा। मेरे ख्याल से इसके अंदर ज्यादा समझने वाली बात कुछ है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंडियन पिनल कोड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब सेक्शन 2 के अंदर क्या कह देता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, मीन्स ऐसे अपराधों का पनिशमेंट, ऐसे अपराधों की सजा जो इंडिया के अंदर हुए हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर रह करके हुए हैं, उन अपराधों की सजा। इसकी जरा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज, मीन्स कोई भी आदमी लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए इसी कोड के द्वारा, किसी अन्य कोड के द्वारा नहीं। किस चीज के लिए? फॉर एवरी एक्ट, फॉर ऑल एवरी ओमिशन जो कि कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन, किसके? आईपीसी के। मतलब अगर कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा ओमिशन करता है जो कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस के विरुद्ध हो, उनके अगेंस्ट हो, तो वो आदमी ऐसा ही माना जाएगा कि उसने वो अपराध इंडिया के अंदर रह करके किया है और वो आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अगर कोई आदमी इंडिया में रह करके आईपीसी के अगेंस्ट में कोई काम कर देता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी भी आईपीसी के तहत ही बनेगी। इसको हम सिंपल भाषा में दो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम ये समझते हैं, कोई मिस्टर आई है इंडिया, इंडियन सिटीजन मिस्टर आई, उन्होंने इंडिया के अंदर रह करके फ्रांस के सिटीजन मिस्टर एफ का खून कर दिया। क्या बोला मैंने? इंडियन सिटीजन मिस्टर आई, उन्होंने इंडिया के अंदर रह करके मिस्टर एफ जो कि फ्रांस के सिटीजन से, उनका उन्होंने खून कर दिया। अब इस केस में वो इंडियन भी हैं और उन्होंने खून भी इंडिया में रह करके ही किया है,
तो उनके ऊपर इंडियन पिनल कोड के तहत कार्यवाही की जाएगी और उनके ऊपर इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता लागू की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन भी हैं और उन्होंने सबसे मेन पॉइंट जो ऑफेंस किया है इंडिया के अंदर रह करके किया है। पहला एग्जांपल हमें समझ में आता है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के अंदर रह करके किया गया हो तो उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी और उसके ऊपर पनिशमेंट भी आईपीसी के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर टू। सपोज कर लीजिए कोई मिस्टर एफ फ्रांस से हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर आकर के मिस्टर एस स्पेन का खून कर दिया। मतलब मिस्टर एफ फ्रांस से आए इंडिया, उन्होंने एक स्पेन के सिटीजन का खून कर दिया। खून कहाँ किया गया? इंडिया के अंदर रह करके किया गया है। सेक्शन टू क्या बोलता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो यहां पर मिस्टर एफ इस बात की प्ली बिल्कुल नहीं ले सकते कि जी मैं तो इंडियन सिटीजन हूं ही नहीं, मेरे ऊपर तो आईपीसी लागू होगी ही नहीं। कोर्ट बोलेगी मिस्टर चुप हो जाइए, आपने ये खून इंडिया के अंदर रह करके किया है तो आपके ऊपर भी इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस लागू होंगे। मतलब अगर कोई बाहर का आदमी आकर के भी यहाँ पे कोई ऑफेंस करता है, कोई क्राइम करता है, तो वो इस बात की प्ली बिल्कुल नहीं ले पाएगा कि भैया मैं तो इंडियन सिटीजन हूं ही नहीं, मुझ पर तो लागू होगा ही नहीं। तो सेक्शन टू ने एक तरीके से इन जैसे लोगों को बांध दिया है कि अगर आपने कोई ऑफेंस इंडिया में रह करके किया है तो आपके ऊपर भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो आईपीसी के प्रोविजंस में लिख रखा है, अगर आपने उनके प्रोविजंस के विरुद्ध कोई काम किया है तो आप बच नहीं सकते। अब हम आते हैं सेक्शन थ्री के अंदर। सेक्शन थ्री हमें सिंपल सिंपल कह देता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। ऐसे वो सभी अपराध जो इंडिया के बाहर हुए हैं लेकिन लॉ के द्वारा यही माना जाएगा कि वो ऑफेंसेस इंडिया के अंदर रह करके किए गए हैं। सेक्शन टू में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे ऑफेंस जो कि कमिट कहां हुए हैं? इंडिया के अंदर। लेकिन सेक्शन थ्री में क्या कहा गया है? ऑफेंस जो इंडिया के बाहर हुए हैं लेकिन कैसे माने जाएंगे? इंडिया के अंदर हुए हैं। इनकी अब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पहले एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। वो हर एक आदमी लाइबल होगा इंडियन लॉ के तहत अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना किया गया हो, लेकिन उसके ऊपर भी ये लागू होगा और यही माना जाएगा कि उसने ये ऑफेंस इंडिया में किया है। इसका भी हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हमें बात समझ में आ जाए। सपोज कर लीजिए मिस्टर आई इंडिया वाले, वो चले गए स्पेन। मिस्टर आई कहाँ चले गए? स्पेन चले गए और वहां पर उन्होंने मिस्टर एस का खून कर दिया। अब हालांकि स्पेन में खून करना अपराध नहीं माना जाता है, ऐसा हम सपोज करते हैं कि स्पेन के अंदर किसी का खून करना कोई ऑफेंस नहीं माना जाता और मिस्टर आई ने स्पेन में जाकर मिस्टर एस का खून कर दिया। इस केस में मिस्टर आई इस बात की प्ली नहीं ले सकते कि भैया हालांकि मैं इंडियन हूं लेकिन मैंने खून तो कहाँ किया है? स्पेन में जाकर के किया है और वहां पर तो ये कोई ऑफेंस है ही नहीं, तो मुझ पर तो ये आईपीसी लागू होगी ही नहीं। लेकिन कोर्ट बोलती है, आईपीसी बोलता है कि मिस्टर आई, आप जिस दिन इंडिया के प्रेमाइसेस में घुस गए, जिस दिन आपने इंडिया की बाउंड्री टच कर ली, तो उसी दिन आपको पकड़ लिया जाएगा और आपके ऊपर आईपीसी के तहत ही कार्यवाही की जाएगी। आपने खून भले ही स्पेन में किया हो,
आपने खून भले इंडिया में ना किया हो, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी के तहत लाइबिलिटी बनाई जाएगी, चाहे आपने वो खून स्पेन में ही क्यों ना किया गया हो। अब हमें सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में जो बेसिक डिफरेंस था वो हमें समझ में आ गया कि आईपीसी ने कैसे लोगों के पैरों में जंजीर बांध दी कि अगर आप क्राइम इंडिया के अंदर रह करके करोगे तो भी दोषी हो और बाहर करोगे तो भी दोषी हो, आप बच नहीं सकते। आईपीसी ने ऐसे लोगों को बांध दिया कि आप बच नहीं सकते, अगर आप पकड़े गए तो आप आईपीसी के तहत लायबल ही माने जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब जो आदमी सेक्शन 2 और 3 में बच जाए तो वो सेक्शन 4 में कैसे फंसेगा वो हम समझेंगे। इसके हम बेसिकली 3 एक्सटेंशन पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 एक्सटेंशन पढ़ेंगे इसके। पहला एक्सटेंशन कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, पहला एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब हर एक भारतीय नागरिक चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो, जैसे कि हम अभी सेक्शन 3 में पढ़ के आए हैं और सेक्शन 2 में पढ़ के आए हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब क्लॉज 2 क्या कहता है इसका, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, मतलब कोई भी ऐसा आदमी, अब यहाँ पे एनी पर्सन है, एनी इंडियन पर्सन नहीं है, अब एनी पर्सन का मतलब विश्व का कोई भी आदमी आ सकता है। पहले क्लॉज में क्या था, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया था, लेकिन दूसरे में एनी पर्सन है, मतलब इंडियन हो वो जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। अब हम क्लॉज 2 को जरा ध्यान से समझेंगे, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड कहाँ होगा, इंडिया के अंदर होगा, अब उस रजिस्टर्ड होने के बाद वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो। एग्जाम्पल समझते हैं सिंपल सा, मिस्टर एस स्पेन वाले, मिस्टर एस फ्रॉम स्पेन, वो उन्होंने एक फ्लाइट पकड़ी एयर इंडिया की जो कि रजिस्टर्ड थी इंडिया के अंदर, अब वो चले गए इंग्लैंड उसी फ्लाइट में और वो एरोप्लेन भी इंग्लैंड में ही है। अब उन्होंने उसी एरोप्लेन के अंदर मिस्टर एफ जो फ्रांस के थे वहां पे खून कर दिया। मिस्टर एस स्पेन वाले उन्होंने इंडिया के एरोप्लेन के अंदर मिस्टर एफ जो कि फ्रांस के थे उनका खून कर दिया, और वो जो प्लेन था वो एक्चुअली में इंग्लैंड के अंदर था। तो इस केस के अंदर मिस्टर एस ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं तो मुझ पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये प्ली भी नहीं ले सकते कि मैंने वो खून इंडिया की प्रेमाइसिस में नहीं किया, इंग्लैंड में किया है और इंग्लैंड में खून करना कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खून कहाँ किया, एरोप्लेन के अंदर किया जो कि क्या था, रजिस्टर्ड इन इंडिया था, तो यही माना जाएगा कि सर आपने भले ही खून इंग्लैंड में क्यों ना किया हो लेकिन आप हमारे एयर इंडिया के रजिस्टर्ड एरोप्लेन के अंदर बैठे थे, खून वहां हुआ है, तो यही माना जाएगा कि सर आपने खून इंडिया के अंदर रहकर किया है और आपके ऊपर आईपीसी के तहत कार्यवाही भी की जाएगी और पनिशमेंट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, तो आप बच नहीं सकते। अब क्लॉज नंबर 3 इसके अंदर मिसप्रिंटिंग हो गई, इसके लिए हम सॉरी मांगता हूं मैं। अब क्लॉज नंबर 3 के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे साइबर क्राइम्स की, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 21K के तहत आया था, अमेंडमेंट हुआ था। तो उसके अंदर बेसिकली हम ये बात करते हैं कि कोई भी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज जो कि लोकेटेड कहाँ हो, इंडिया के अंदर हो, और उसके साथ छेड़छाड़ कहाँ से कही गई हो, विश्व के किसी भी कोने से, तो हम यही मानेंगे कि वो ऑफेंस कहाँ हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं,
सपोज कर लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, उसके अंदर कोई एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट का एक लैपटॉप हैक हो गया है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो गया है, या किसी बैंक का हो गया है, या किसी भी और आदमी के जो कंप्यूटर इंडिया में सिचुएटेड है उसका कोई डाटा डैमेज कर दिया है, किसने? एक आदमी बैठा हुआ जापान में उसने, या कोई चाइना वाले ने, या कोई कोरिया वाले ने, या किसी भी कोने के इंसान ने, तो वो आदमी ये प्ले नहीं ले सकता कि सर मैंने ये क्राइम जापान में बैठ के किया है तो इसलिए मैं आईपीसी के अंतर्गत नहीं आ सकता। लॉ बोलता है कि सर आप जो कंप्यूटर रिसोर्सेस था वो इंडिया के अंदर लोकेटेड था, इसलिए आपके ऊपर आईपीसी के तहत कार्यवाही की जाएगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर पहली एक्सप्लेनेशन दे रखी है ऑफेंस की, तो इसको हम जरा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर द स्कोप। मतलब इसके अंदर ऑफेंस के बारे में हमने ये कह दिया कि भैया चाहे वो क्राइम इंडिया के अंदर हुआ हो, या वो एक्ट इंडिया के अंदर हुआ हो, या इंडिया के बाहर हुआ हो, हम तो यही मानेंगे कि सर वो ऑफेंस इंडिया के अंदर ही हुआ है और आपको पनिशमेंट भी आईपीसी के अंडर ही दी जाएगी। अंडर दिस कोड मतलब आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, क्या है? ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट अ मर्डर इन युगांडा। एक इंडियन सिटीजन थे, वो युगांडा गए और उन्होंने एक युगांडा के आदमी को मार दिया, ठीक है। He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. महाराज जैसे ही वो इंडिया की बाउंड्री में आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी एयरपोर्ट में हो, तो वो वहीं के वहीं पकड़े जाएंगे और मर्डर के दोषी माने जाएंगे जैसे ही वो इंडिया के अंदर आ गए। वो इस बात के प्ली बिल्कुल नहीं सकते कि सर मैंने तो युगांडा में किया था, अब वहां पे क्राइम है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को आप सजा दीजिए, लेकिन आईपीसी नहीं लगेगी। इंडियन लॉ कहता है सर आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं हो, तो आपके ऊपर आईपीसी की तहत ही कार्यवाही की जाएगी और आप बच नहीं सकते। अब आज के लेक्चर का हम सेक्शन 5 जो कि लास्ट है उसको पढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे उसको। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड, ऐसे कुछ लॉज जो कि इस एक्ट बोले तो आईपीसी के तहत इफेक्ट नहीं किए जा सकते, मतलब जिनके ऊपर आईपीसी लागू नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन से होंगे? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करने वाले ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, एयरमैन है, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, या और भी ऐसे कोई एम्प्लॉय हो जो कि स्पेशल प्रोविजंस के अंदर काम कर रहे हो, तो उनके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगी। अगर उनके ऊपर हमें आईपीसी लागू करवानी है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना उनके परमिशन के काम नहीं बनेगा। सो आई थिंक आपको आज सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 में कुछ समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाऊं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।